ओके दोस्तों, पहले स्टेप में हम करेंगे फेस वॉश। आज मैं यूज कर रहा हूँ लैसो प्री शेव फेस वॉश। ये मेरे स्किन के लिए काफी सूटेबल है और मुझे काफी पसंद है। मैं इसको काफी बार यूज कर चुका हूँ। थोड़ा सा पानी अपने चेहरे पर लगाएंगे एक या दो बार, ताकि पानी अच्छे से आपके चेहरे के सतह पर फैल जाए। उसके बाद हम थोड़ा सा प्रोडक्ट अपने उंगलियों पर लेंगे, एक छोटा सा ड्रॉप साइज। इसको फिर अपने उंगलियों पे फैला लेंगे और फिर अपने चेहरे की सतह पे अच्छी तरीके से कोट करने की कोशिश करेंगे। जो भी धूल, मैल या पसीना आपके चेहरे की सतह पर होगा, वो सब इस स्टेप से निकल जाएगा। ये स्टेप शेविंग करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी स्किन अच्छे से क्लीन रहेगी और मॉइस्चराइज रहेगी, तो आपको शेव करने में काफी आसानी होगी। अपने चेहरे की और गर्दन की सतह पे अच्छे से ये प्रोडक्ट लगाकर फैला लीजिए। थोड़ा सा मसाज भी करने की कोशिश कीजिए, ताकि स्किन पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। फेस वॉश करने के बाद में पानी से धो के स्किन को पैड ड्राई कीजिए। ऐसे दबा दबा कर पोछिए, स्किन को टॉवल से रगड़िएगा नहीं। इस स्टेप के बाद में है प्री शेव स्क्रब। स्क्रब का मतलब एक्सफोलिएशन भी होता है। एक्सफोलिएशन का मतलब ये है कि आप अपनी चेहरे की त्वचा से जो डेड स्किन सेल्स हैं, उनको निकाल कर नई स्किन सेल्स ला रहे हैं। जो एक्स्ट्रा डर्ट आपके पोर्स में होगी, वो इस स्टेप से निकल जाएगी। ध्यान रखिएगा, सेंसिटिव स्किन के लोग अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ कर ही स्क्रब करें। अगर आप स्क्रब कर भी रहे हैं नॉर्मल स्किन से, तो भी आप हफ्ते में 2 बार से ज्यादा स्क्रब ना करें। खास करके उन जगह पे स्क्रब जरूर करें जहां पे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होने की संभावना होती है। अगर आपको प्रोडक्ट थोड़ा कम लग रहा है, तो थोड़ा और लेकर मसाज कीजिए। ज्यादा जोर जोर से और दबा कर ना रगड़िए, जस्ट बहुत ही धीमे से आराम से इसको मसाज कीजिए अपने स्किन को। ध्यान रहे, गर्दन पे थोड़ा खास ध्यान दें, क्योंकि यही ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है शेविंग करने के बाद। वाह, फिर फेस स्क्रब करने के बाद में पानी से मुंह धो के आप वापस से तौलिए से मुंह दबा दबा कर पहुंचे, उसे रगड़े या वाइप ना करें। ये दो एक्टिविटीज बहुत जरूरी है शेविंग के लिए। फेस स्क्रब ऑप्शनल है, लेकिन फेस वॉश बहुत जरूरी है अच्छी शेव के लिए। और ये होने के बाद हमारी स्किन। अब दोस्तों हम देखेंगे कि प्री शेव ऑयल का उपयोग कैसे करना है। वैसे ये स्टेप ऑप्शनल है। आप कोई भी ब्रांडेड प्री शेव ऑयल यूज कर सकते हैं, 100% प्योर बादाम का तेल यूज कर सकते हैं, या फिर पैराशूट ऑयल जो कोकोनट ऑयल है वो भी यूज कर सकते हैं। आप कोई भी वर्जिन कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एरंडी का तेल जो कैस्टर ऑयल होता है वो भी यूज कर सकते हैं, मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा प्री शेव ऑयल अपने हाथ पे लेना है, कुछ बूंदे। देखिए काफी तरल है, तो थोड़ा संभाल के। मैं यहाँ पे पिंक वुल्फ का प्री शेव ऑयल यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऊद और सैंडलवुड की खुशबू बहुत ही अच्छी है। देखिए, अब हाथ में आपने जो प्री शेव ऑयल ले लिया, उसको आराम से आप अपने दाढ़ी पर लगा लीजिए अच्छे से, इस तरीके से कि बाल के नीचे जो स्किन है उसमें वो प्री शेव ऑयल लगना चाहिए, और हो सके तो थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी होना चाहिए। प्री शेव ऑयल लगाने के बाद आप उसके ऊपर थोड़ा पानी भी लगा लीजिए, उससे भी काफ़ी अच्छी स्लिकनेस हो जाती है। तो मान लीजिए अगर आपका लादर थोड़ा बहुत कम क्लिक हो, तो आपका ये भी काफ़ी प्रोटेक्शन देता है। अब हम देख लेते हैं लादरिंग कैसे करनी है। तो देखिए दोस्तों, लादरिंग करने के दो तीन तरीके हैं, बोल लादर और फेस लादर। बोल लादर में आप शेविंग सोप से भी कर सकते हैं, शेविंग क्रीम से भी कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं शेविंग सोप से लादर कैसे क्रिएट किया जाता है बोल में। तो ब्रश को आप थोड़ा सा गीला कर लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दीजिए। उसके बाद में आपको थोड़ा सा सोप कलेक्ट करना है अपने ब्रश के टिप्स पे। जो भी एक्स्ट्रा पानी सोप में है वो आप बोल में ही डाल सकते हैं।
उसके बाद में आपने बोल में ब्रश को गोल गोल घुमाना है। अगर पानी की जरूरत पड़े तो दो तीन बूंद ऐड करके आपको इस प्रकार से योगर्ट या दही की कंसिस्टेंसी का लादर बनाना है जिसमें कि पीक्स आए। याद रखिए आपको गोल गोल घुमाना है और लादर के जो बुलबुले या बबल्स हैं वो बड़े बड़े नहीं बल्कि छोटे छोटे होना चाहिए। इसे लादर काफी अच्छी कुशनिंग प्रोवाइड करता है शेव के दौरान। ये देखिए अभी हमने शेविंग सोप से बहुत बढ़िया लादर तैयार कर लिया है। ये देखिए बहुत एक्सप्लोड हो रहा है लादर यहाँ पे एक्चुअली। ये देखिए पीक्स भी बनने लग गए हैं लादर में, मतलब हमारा लादर तैयार हो गया है। अब आपको इसको अप्लाई करना है। आइए हम ये भी देख लेते हैं कि शेविंग क्रीम से बोल लादर कैसे किया जाता है। मैंने यहाँ पे वीको टर्मरिक की शेविंग क्रीम यूज की है। प्रोसेस सेम ही है, एक्सेस पानी ब्रश में से निकाल के बोल में क्रीम के ऊपर गोल गोल मोशंस करते हुए हमें लादर को दही की कंसिस्टेंसी का बनाना है। इसमें भी बुलबुले छोटे होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लादर। चाहे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं अगर आपको लादर थोड़ा पतला पसंद हो तो, लेकिन आप शुरुआत में ही ज्यादा पानी ऐड ना करें। ये देखिए बहुत ही अच्छा लादर बनते हुए बोल में। ये हमने शेविंग क्रीम से भी देख लिया कैसे बोल लादर किया जाता है। ये देखिए पीकी कंसिस्टेंसी पे लादर हमारा आ रहा है, काफी अच्छे पीक्स बन रहे हैं, मतलब हमारा लादर तैयार है। अब एक बार आपका लादर तैयार हो जाए तो आपकी स्किन पे जो प्री शेव ऑयल लगा हुआ है उसके ऊपर ही हमें पेंटिंग मोशन में ये लादर लगाना है। ये देखिए गर्दन का भी एरिया अच्छे से कवर करते हुए हमने लादर सब जगह पे जहाँ भी हमें शेविंग करनी है वहाँ अच्छे से पेंटिंग मोशन से लगा लेना है। अगर हमें लादर कम पड़ रहा है स्किन पर तो हम बोल में से वापस थोड़ा सा लादर लेके पेंटिंग मोशन से ही उसको सब सतह पे अच्छे से फैला लेंगे। शुरुआत में आप सिंथेटिक ब्रश यूज करें। अब हम देखते हैं दोस्तों फेस लादर कैसे करना है। तो थोड़ा सा पानी अपने चेहरे पर लगा ले। ध्यान रखिए यहाँ पे आप गुनगुना पानी इस्तेमाल कीजिए, ठंडा पानी यहाँ पे इस्तेमाल अभी मत कीजिए। थोड़ा सा शेविंग क्रीम हमने चिन पे लगा लिया है। ये शेविंग क्रीम थोड़ा गाढ़ा है इसलिए मैंने थोड़ा फैला लिया है। ब्रश को हमें उसी प्रकार से थोड़ा सा गीला करके एक्स्ट्रा पानी पूरा निकाल देना है और थोड़ा सा पानी रखकर हमें शेविंग क्रीम से झाग बनाना है। ध्यान रखिए यहाँ पर आपको शुरुआत में पेंटिंग मोशंस नहीं करना है, नहीं करना है। आप पेंटिंग मोशन से थोड़ा सा लादर फैला सकते हैं, हल्का सा शेविंग क्रीम आप अपने चेहरे पे फैला लीजिए, लेकिन आपके लादर का वॉल्यूम और कंसिस्टेंसी ये स्वर्लिंग मोशन से ही आएगा। देखिए स्वर्लिंग मोशंस माने ऐसे गोल गोल आपको ब्रश को घुमाना है अपने गालों पर, अपने दाढ़ी पर, जिससे कि लादर का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और लादर काफी अच्छा घना और कंसिस्टेंट बन जाएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा वॉल्यूमिनस लादर बन गया है। चाहे तो आप क्लॉकवाइज या चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज या टू एंड फ्रो मोशंस भी यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से जब आपका लादर का वॉल्यूम अच्छा बन जाए तो आप फिर थोड़ा सा पेंटिंग मोशन यूज करके उसको अपने चेहरे पर फैला सकते हैं। ध्यान रखिए लादर को मुंह में मत जाने दीजिए और आंखों में भी मत जाने दीजिए। इस प्रकार से लादर का वॉल्यूम बनने के बाद में उसको पेंटिंग मोशन से हमने पूरे सतह पर फैला लेना है। आप देख सकते हैं लादर का वॉल्यूम बहुत ही अच्छा बना है, शेव करने में बहुत ही आसानी प्रदान करता है। क्योंकि हम फर्स्ट पास में ऊपर से नीचे शेव करने वाले हैं इसलिए आप लादर को नीचे से ऊपर थोड़ा सा पेंट कर लीजिए, इससे बाल आसानी से कट जाएंगे ब्लेड से। अब हम हमारे कलम साफ कर लेंगे ताकि हमारे लाइंस अच्छे से दिख जाएं। और अगर आप मूंछ रखते हो तो मूंछ के साइड का एरिया भी थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए ताकि आपको मूंछ की लाइंस भी दिख जाए। आप चाहें तो गर्दन वाली लाइन भी साफ कर सकते हैं लेकिन ऑप्शनल है।
लादर करने के बाद तौलिए से हाथ जरूर पोंछ ले। और अब हम करेंगे शेविंग। देखिए, शेविंग करने के लिए आपको चाहिए रेजर। आप या तो 3 पीस रेजर यूज कर सकते हैं, इस प्रकार से ये है पार्कर 91R, मेरी फेवरेट रेजर। या फिर आप यूज कर सकते हैं ट्विस्ट टू ओपन रेजर। ट्विस्ट टू ओपन रेजर में ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं, इसमें ब्लेड लोड करना बहुत ही आसान होता है। आज हम देखेंगे 3 पीस रेजर में ब्लेड कैसे लोड करते हैं। देखिए, ब्लेड आपने ले ली है। अब आप ब्लेड को बहुत ही सावधानी से और बहुत ही धीरे से उसके रैपर में से निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे ली है जिलेट विल्किंसन सोर्ड, ये मेरी काफी पसंदीदा ब्लेड है और ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। नौ सीखियों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जिलेट विल्किंसन सोर्ड यूज कीजिए। इसकी धार भी काफी अच्छी तेज है और इससे कट लगने के चांसेस भी ना के बराबर होते हैं। इस प्रकार से अब हमने ब्लेड लोड कर ली है 3 पीस रेजर में और हैंडल को भी स्क्रू कर दिया है। आपकी ब्लेड का अलाइनमेंट बहुत सही होना चाहिए और ब्लेड अच्छे से फिट होना चाहिए, हिलनी डुलनी नहीं चाहिए हेड में। अब हमें यहाँ पे मेंटेन करना है 30 डिग्री का एंगल, ज्यादा स्लांट भी नहीं, ज्यादा स्टीप भी नहीं, सिर्फ 30 डिग्री का एंगल जो आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगा। इस प्रकार से आपको आधे से 1 इंच के ही स्ट्रोक करने हैं शुरुआत में दोनों तरफ रेजर से। जब थोड़ा सा शेविंग क्रीम दोनों तरफ रेजर में लग जाए तो रेजर और ब्लेड को साफ जरूर कर लें, इससे शेविंग बहुत अच्छी होती है और काफी स्मूथ होती है, क्योंकि ब्लेड की सरफेस शार्प रहती है और आप काफी आसानी से बाल कट जाते हैं। ये देखिए, आधे से 1 इंच स्ट्रोक करते हुए, इससे ज्यादा आप शुरुआत में ना करें। 30 डिग्री का एंगल आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगा। गर्दन पर खास सावधानी रखें क्योंकि यहाँ पे स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, जरा सी गलती से कट्स लग सकते हैं, लेकिन अगर आप सावधानी बरतेंगे तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। आप चाहे तो अपने उल्टे बाजू के चेहरे पर उल्टे हाथ से भी शेविंग कर सकते हैं, मैं यहाँ पे राइट हैंड से ही कर रहा हूँ। इस तरफ भी आधे इंच से 1 इंच के स्ट्रोक करते हुए। ये हमारा फर्स्ट पास है। आपको अपने निचले होंठ के नीचे जबान को इस तरह से लगाना है कि थोड़ी सी सरफेस फ्लैट रहे, उससे शेविंग करने में आसानी रहती है। ये देखिए, 30 डिग्री का एंगल साइड साइड की तरफ से दिख रहे हैं। आप अपने बाथरूम में किसी भी प्रकार के चेहरे बना सकते हैं, यूं भी आप खुद ही हैं, कोई आपको देखने वाला नहीं है। ये ध्यान रखें कि आप सरफेस को जितना फ्लैट रखेंगे शेविंग उतनी ही अच्छी और स्मूथ होगी। ये हमारा फर्स्ट प्लास लगभग कंप्लीट हो गया है। अगर आप नौ सीखे हैं और पहली बार शेव कर रहे हैं तो इससे ज्यादा आप ना करें, आप सिर्फ पोस्ट शेव बाम ले लें, ठंडे पानी से चेहरे को धोकर, तौलिए से हाथ पोंछ कर, चेहरा थोड़ा सा पोंछ कर, पोस्ट शेव बाम लगा लें। मैंने यहाँ पर नीविया का आफ्टर शेव बाम लिया है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कम से कम 20 से 25 बार सिर्फ वन पास शेव कर चुके हैं तो उसके बाद आप सेकेंड और थर्ड पास कर सकते हैं। सेकेंड पास में हम अक्रॉस द ग्रोथ शेविंग करते हैं, जो मैं इस क्लिप में बता रहा हूँ। और जब आपकी लगभग 30 से 35 बार 2 पास शेव हो जाए, मतलब फर्स्ट और सेकंड पास, उसके बाद आप ये थर्ड पास कीजिए अगेंस्ट द ग्रेन।
लेकिन ध्यान रखिए, पहले ही बार में आप 3 पास शेव करने की कोशिश मत कीजिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ी और फाइन शेव चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लीन अप पास भी कर रहा हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसको करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे इस तरह की शेविंग में थोड़ा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं क्लीन अप पास भी करता हूँ। बारी है दोस्तों पोस्ट शेव रूटीन की। पोस्ट शेव यानी हमें अपने पोर्स क्लोज करना है, तो आप ठंडे पानी से पहले चेहरा धो लीजिए, पोस्ट शेव बाम ले लीजिए और उसको अपने जहां पर भी शेव किया है वहां पे अच्छे से लगा लीजिए। इससे आपको ठंडक महसूस होगी, आपके पोर्स क्लोज हो जाएंगे, स्किन टोन हो जाएगी और आपको कोई भी इरिटेशन नहीं होगा। इस प्रकार से आपकी शेविंग कंप्लीट हो जाएगी और आपको एक शानदार शेविंग एक्सपीरियंस मिलेगा। आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स और जो भी आपने मटेरियल्स यूज किए हैं उसको साफ करके अच्छे से सावधानी पूर्वक रख लीजिए, खास करके ब्लेड और धारदार चीजें। देखिए शेविंग बहुत ही अच्छी हुई है, शेविंग करने के बाद आप भी ऐसे ही खुश महसूस होंगे, बहुत ही शानदार शेविंग। मेरा एक ही मोटो है दोस्तों, कीप अप द गुड शेव्स। धन्यवाद।